नमस्कार, हम वाणी जी कुमार और सब चालू कर दिलन भैया न्यूज तक भोजपुरी देख। आज हम बात करम एगो भोजपुरी सिनेमा जना फिल्म का नाम भैया घूंघट में घोटाला। हाँ भैया, तीन फिल्म के का कहला टीजर ना ट्रेलर आउट हो गल बा, रिव्यू कर ली और जाने की कोशिश कर ली कि आखिर फिल्म में का बा, कितना कमाल के बा, फिल्म के देख के चाहिए कि ना देख चाहिए और ट्रेलर में जो दिखल बा कितना मजा आवेल बा, इस सब कुछ जान ली हमें एपीडी में। चलिए सबको देख कर जाने खाते काम करी, चैनल बनाए बने सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, सब कुछ कर दी। चलिए हमें वीडियो को चालू कर लिया जरा। फिल्म का नाम भैया घूंघट में घोटाला। तीन देखिए बात कर लिया वन के घूंघट में घोटाला तो बढ़िया फिल्म रहे, उस समय के एवरेज फिल्म रहे, ठीक ठाक अच्छा भी रहे। बात कर लिया टू के, टू में थोड़ा सा मेकिंग तगड़ा रहे और अच्छा भी दिखा। लेकिन बात जब थ्री के कर जाता है तो थ्री में ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन रहे कि भैया फिल्म बढ़िया आई, बहुत बवाल आई, लेकिन पूरा बवाल काट दिला से भैया टेलर है, पूरा बवाल ही टेलर काट दिला से कहें कि टेलर जैसे ही रहो देखम ना डॉक्टर दिमाग भन्ना जी। अरे यार हम कहा देख रहा बने यार, वो तीसरा पार्ट हो यार हिट हो जाए, लेकिन ये विदेशीकरण के चक्कर में फिल्म के माई बहन एक कर दिल बड़न भैया फिल्म के डायरेक्टर मंजूर ठाकुर और ओकरा साथे साथे फिल्म के निर्माता और लेखक प्रवेश ललियाड़ो तो और ही का कहला मैं नाश कर दिल बड़न। हाँ बता दनी पहले ट्रेलर में कहानी जान लीजिए। देखिए प्रवेश लाल रातरन तो भैया विदेश में, उनका साथे एगो विदेशी संगी बाटे और एगो देशी विजेंद्र सिंह बड़न। हाँ जो उनकी खट्टी कॉमेडी बनावलन अब ओका कहला कौन एक जना हो बन आनंद मोहन जी के संगे। हाँ वे आला काय मौसा का करते रहो, बगीचवा में का करते रहो, खेतवा में का करते रहो, घरवा चलो हो तो हई बतिया हो तो बकरिया ना बेचा लो तो बकरी खरीदे के भाव भैया। यही तरह के सड़ल आवाज में विजेंद्र सिंह बोललन और उनका लागे ला कि भैया दुनिया में सुनकरा से सुधर केहू भोजपुरी ना बोलेला और ना उनका बोले आवेला। ए तरह के उ बात मतलब विजेंद्र सिंह भैया अपना आपके प्रेजेंटेशन कर रहे और वही तरह के अंदाज में ए में भी जब बोलत रहन तो बुझाए दें कि ना 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 यार ये कहाँ से वो बीच में सड़ल से आवाज़ घुसा दिल पड़ा जाए, वो थोड़ा सा अजीब अटपटा लेखा लगा था। और बाद से देखी कहानी बाहुल जब मूल कहानी पर अब देखे कि मिलता है कि प्रवेश लाल यादव फोन करते रहन ये अपना घर है, किरण यादव उन पर माई बड़ी बता दो ना कि माई जो ना उधर पर ना बिछड़ को रहे वही जगवा लोग तो समझ ले कि चिंता मत कर याद तौर पर तो यह मिल जाए। अब वो जगवा वो नीलमगिरी से प्रेम करते रहन, अब नीलमगिरी से प्रवेश लाल प्रेम ना करे तो ठीक करें भैया वर्ल्ड वाइज से छीन के लिए प्रेम ना करें तो के करी और उनकर फिल्म के वो मुख्य हीरोइन ना रहें तो के रही एकदम उनका सन खूब प्रेम करते रहन रोमांस बाटे। और बाद से इंट्री होता टे गप देख के आली कि भैया अमरपाली दुबे आते रही। हाँ अमरपाली दुबे आते रही, अमरपाली दुबे कहा था कि भूत रहते रही वो समय के वो जगह के वो गाँव के। अब भैया भूत क्रास करके पहुँच जाता लंदन, अब लंदन में जाके वो भूत प्यार कर लगते। हाँ लंदन में प्यार कर लगते, अब प्यार करत 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 भूत के महसूस होता कि हमके धोखा दे तरन, हमके धोखा दे तरन तो मैं जान लो के मारत बड़ी। और बाद से इन थोड़ा सा एंट्री दिखावल गलो भैया ए में ऋचा दीक्षित, लेकिन ट्रेलर के इंड हो टोट मज हेंगने हेंगने कर तर जा कि जैसे लागत कि कनेक्शन बाटे टू से थ्री से थ्री के वन से टू के और टू के थ्री से कनेक्शन बाटे वो चीज़ के एमें प्रजेंट कर जात बाटे। ये बाटे फिल्म के कहानी पेचीदा बाटे, कहीं भी फिल्म के ट्रेलर में देखम तो डर नाम के कोनो सन चीज नहीं के अमरपाली दुबे भूत जब भी बनतरी भूत ना मोटकी चाची भूत बनतरी। हाँ मोटकी चाची भूत बनतरी ऐसा फिल्म होता है तो तुम क्यों डर नहीं के लागत यार, थोड़ा सा बार उधियाए लागत अटे थोड़ा सा कर लगत रही तेरे मैंने आँख वो लाल हो बटे बाकी और कतहीं उ तरह के डर नहीं के लागत। हाँ कहें कि एकदम से घटिया से कम बजट के मेकअप मैन आर्टिस्ट बन मेकअप आर्टिस्ट बन तो कहाँ से हॉरर बना पे यार, कुछ भी ना बना पे। आ जाइए हमने के मेन मेकिंग के बारे में तो मेकिंग के नाम पर भैया उगे बटे, मेकिंग के नाम पर एकदम से सस्ता चीज़ के प्रेजेंट कर बटे और ये सोचल हन जाए कि यार गोल बन जन लगा देख ली रहो हिंदुस्तानी चार बनावे लंदन में विदेश में तो रह लगल थ्री भी शूट करके चल चल जाए और वही के चक्कर में ये फिल्म के हो गए बा टापा टॉप एकदम से हो गए बटे। हाँ अब प्रवेश सोचल कि निर्माता मानी यार हमारा से बढ़िया कहानी के लिखी यार, हम फिल्म के हीरो भी रहम फिल्म के निर्माता भी रहम, हम जो कहानी लिखम ना भैया एक नंबर के रहे। वो अपना बजट के हिसाब से अपना समय के हिसाब से अपन सिचुएशन के हिसाब से गोल बढ़ा जाए एक भाड़ा में
दोनों फिल्म शूटिंग करे के हिसाब से एकदम से निपटा दे परिवेश ला लिया और ओकरा बाद से तो भैया बाकी काम तो मंजुल ठाकुर लिख पोत के कह दो कहें कि भैया तू कहानी लिख दो बनाओ हमारा डायरेक्शन में कोनो कमी होने के सकत और हम डायरेक्शन जब करनी 100 करोड़ से कम को ओपनिंग ले लेना ये तू लिख के धल बस परवेश लाल कहें कि बस भैया एक से बढ़ के और का ही चाहे यार कुछ ना चाहिए एक से बढ़ के तू बस डायरेक्शन कर दे 100 करोड़ से ओपनिंग एकदम ले ली फिर बाकी हमारे स्टार्डम तो बतला ही तो बता दें कि परवेश लाल के नाम पर परवेश लाल के कुत्ता भी फिल्म देखे ना जला सिनेमा हॉल में और ना ही उनकर धोबी ना ही कसाई किसान वगैरह वगैरह भी फिल्म देखे जाला इनकरा नाम पर। बात कर रहे जाए फिल्म के भैया हीरोइन लेके तो नीलम गिरी के स्टार्डम इतना बाटे कि कुछ ही मत अम्रपाली दुबे चाची के स्टार्डम इतना बा कि जोना के कोनो जवाब नहीं के विजेंद्र सिंह के यूट्यूब पर इतना स्टार्डम बाटे कि भैया रिलीज होते हुए मिलियन ट्रिलियन में व्यू आ जाला और ये का ही हम बताएं परवेश लाल यादव फुल जब गाना गाओ तो ना लागत है भैया फूल झरता अरे बाप रे बाप फूल झर लगता है यार ऐसा वाला फीलिंग आता है देखा के बाद बहुत का कमाल के गायक बा एक गायक के ताए तो भोजपुरी बूढ़ वाले बहुत दूर रखल रहन जाए एक गायक से सब के फिल्म में गाना गवाओ तब तक फिल्म का है ना हिट हो जाए। और बात कर जा ऑस्कर अवार्डेड मतलब हमारा तरफ से अरविंद भैया तिवारी जौन बड़न फिल्म के स्क्रीन प्ले में मदद कैले बड़न फिल्म के मैं डायलॉग तो ये लिखल बड़न एक से बढ़िया डायलॉग लिख ना सकेला बाकी स्क्रीन प्ले भैया मंजू ठाकुर भी मिलकर लिखल बड़न और बाद से बचल कुशल तो भैया एक्टर लोग पूरा कर दिल बड़े जैसे कि परवेश लाल यादव बड़न अम्रपाली दुबे चाची बाड़ी नीलम गिरी बाड़ी ऋचा दीक्षित ब्रजेश सिंह और रत्नेश वर्णमाल अमित शुक्ला अयाज खान किरण यादव और नीलम गिरी मतलब जे जे गोई रहा है भैया का कहला पूजा को अभी तो सौ में रहुआ हिंदुस्तान 4 शूटिंग करें बस E3 भी शूटिंग करके आगे रहन जा फिर टेंशन ना लेवे बड़ी वही काम में वही खर्च में हमने के काम निपट जाए भैया निपट जाए। तो फाइनली टेलर के नाम पर एकदम धब्बा बा फिल्म एकदम से घटिया भी आ टेलर ही बता रहा बटे अभी फिल्म रोवा लोगन के आई तो कैसा लगे वो समय के बात बटे अब हम का ही कह सकें बाकी बस इतना ही देख रही निश्चित भोजपुरी बाकी राम जी।